सुप्रभात बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार, जिसकी मैंने आपको पूरी डेफिनेशंस वगैरह लिखवा दी थी। आज इसके करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, शब्द कहते हैं, अब शब्द किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को, वर्गों के सार्थक मेल को, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को, या इन सभी को? इन चारों में से आपको ढूंढना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको अपने आप से करने हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द में से कौन सा नहीं है? कुम्हार, पिंजरा, हाथी या मयूर? फोर्थ है, प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं 5, 2, 3 या 4? तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत में कुछ बदलकर हिंदी में आते हैं, जो हिंदी से कुछ बदलकर संस्कृत में आते हैं, जो विदेशी भाषाओं के लिए आते हैं, या जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। सिक्स्थ है, मनुष्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस तरह का शब्द है? तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, तद्भव शब्द है या आगत शब्द है? ठीक है, सेवंथ है, इनमें कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? पाठशाला, पंकज, पुस्तक या पुस्तकालय? ठीक है, एट्थ है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 3, 2, 4 या 5? ठीक है, नेक्स्ट है, यौगिक शब्दों की विशेषता है क्या है? इनमें से यौगिक शब्दों की विशेषता, दो शब्द एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं, रूढ़ होते हैं, या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है बच्चों, इनके आपको आंसर सर्च करके लिखने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।